हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले ग्रीटिंग कार्ड। अगर आपके घर में रेड कलर का चार्ट पेपर होगा तो आप चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप कलर करके आराम से इसमें लिख सकते हो। मैंने वाइटनर से लव मॉम लिख दिए हैं और यहाँ पे मैं इसे गम से चिपका दूँगी। ओके, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इधर बहुत ही सिंपली वाइट पेपर में इसे ऐड कर दूँगी, चिपका दूँगी, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस पेपर को देखूँगी तो इसे मोड़ दूँगी। ठीक है, तो इसे मोड़ देंगे जिस तरह की आप गुलदस्ता में देखते हो तो कितना अच्छा लगता है कि मुड़ा हुआ था लगता है। तो इस पेपर में भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसे मोड़ दिया, ऐसे चिपका दिया, अच्छे से चिपक गया। हाँ, चिपक गया। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चिपका देती हूँ, नहीं तो फिर से गिर जाएगा। ठीक है, हवा चल रहा है। वैसे रोज़ को चिपका दिए येलो और रेड में, आप देख सकते हो अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे ये सारे स्टिकर्स को मैंने काट दिए ड्राइंग करके, तो ड्राइंग करके आप लोग भी इसे काट कूट के बना दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ नहीं तो, और उसके बाद यहाँ पे दिल को चिपका दीजिए। रोज़ को मैंने ड्राइंग किया था उसी को मैंने चिपका दिया, खाली लग रहा था इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसे चिपका दिया तो इसका लुक ही चेंज हो गया गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। येलो पेपर को भी मैंने चिपका दिया, यहाँ खाली लग रहा है तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक परी को ऐड कर दिया। तो परी तो है, मम्मी तो राजकुमारी है, कहाँ है मम्मी, तो सबकी प्यारी होती है, इसलिए मैंने इसी टाइप का चिपका दिया। तो कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। अब तो और भी लुक चेंज हो गया। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे मदर्स डे। ओके, ठीक है, तो अब लिख देते हैं लव यू सो मच मॉम। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा हार्ट बना देती हूँ। और यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हो कि मम्मी सबसे प्यारी हो, मेरी क्यूट हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ नीचे में। और आप बताइए कि किस तरह आपको लगा ये ग्रीटिंग कार्ड। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बताइए ज़रूर कमेंट भी कि आपको कैसा लगा। और आप लोग भी मॉम डैड को जरूर सरप्राइज़ दीजिए। ओके।